नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हिंदी की कक्षा में। तरंग हिंदी पाठ्य पुस्तक बाय ब्रेन रूट सीरीज से हम करने वाले हैं पाठ संख्या 10। और पाठ संख्या 10 का शीर्षक है मंगल ज्ञान। तो देखते हैं क्या है इसमें। चित्र पर आधारित गतिविधि, धरती और मंगल ग्रह की सही जानकारी से उनका मिलान करो। तो बच्चों, ये गतिविधि है आपके लिए। लाल ग्रह, नीला ग्रह, चंद्रमा एक है, सूर्य से चौथा ग्रह, एक दिन 24 घंटे का, 687 दिन का एक साल, आपको सही तरह से मिलान करना है। ठीक है, तो ये गतिविधि आप स्वयं करेंगे बच्चों, और हम करते हैं पाठ में प्रवेश। जिज्ञासु व्यक्तियों के मन में सौर मंडल के रहस्यों के बारे में जानने की इच्छा आज से नहीं, बल्कि जब से पृथ्वी पर सभ्यता का विकास प्रारंभ हुआ तभी से है। आइए पाठ पढ़कर कुछ अपनी जिज्ञासा की भी तृप्ति करते हैं। मनुष्य एक जिज्ञासु और बुद्धिमान प्राणी है। उसकी जिज्ञासा और बुद्धिमानी ने ही उसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया है, क्योंकि उसके अंदर चीज़ों को जानने की उत्सुकता है और उसके अंदर बुद्धि है। अपनी जिज्ञासा के कारण ही मनुष्य प्रकृति और ब्रह्मांड के जटिल रहस्यों को सुलझाने में सफल रहा है। पृथ्वी पर अपने लिए तमाम आधुनिक सुख सुविधाओं के साजो सामान जुटाने वाले मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में पहुँचना उसकी एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पृथ्वी से चांद तारों को निहारने वाले मनुष्य ने जब पहली बार 20 जुलाई सन 1969 चांद की धरती पर अपना कदम रखा था, वह क्षण मानव इतिहास का सबसे सुनहरा और यादगार क्षण बन गया था। अंतरिक्ष संबंधी कई सफलताएं प्राप्त करने वाला मानव कई वर्षों से अंतरिक्ष में उन ग्रहों को ढूंढने में लगा है जहां पृथ्वी की तरह ही जीवन की संभावना हो सकती है। मंगल ग्रह एक ऐसा ही ग्रह है जहां वैज्ञानिकों को जीवन एवं पानी के होने के आसार नज़र आते हैं। मंगल ग्रह सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसकी आभा रक्तिम होने के कारण इसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर परिवार में पृथ्वी के अलावा मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन और पानी के होने की संभावना सबसे अधिक है। इसी कारण विश्व भर के वैज्ञानिक मंगल ग्रह के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने में लगे हैं। सबसे पहले सोवियत यूनियन ने 10 अक्टूबर सन 1960 को मंगल ग्रह पर यान भेजने का प्रयास किया था, जिसमें उन्हें असफलता हाथ लगी थी। उसके बाद नासा के मंगल संबंधी कई अभियान सफल रहे हैं, और अब तो मंगल ग्रह पर यान भेजने वाले देशों में हमारे देश भारत का नाम भी जुड़ गया है। अपने पहले ही प्रयास में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता प्राप्त की। मार्स ऑर्बिटर मिशन मंगल कक्षीय अभियान मॉम भारत का प्रथम मंगल अभियान है। इसरो की मंगल परियोजना को 3 अगस्त सन 2012 को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति दी गई थी। 5 नवंबर सन 2013 को मंगलवार के दिन मंगलयान को भारतीय समय 2:38 अपराह्न पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ध्रुवीय प्रक्षेपण यान PSLV-C25 द्वारा प्रक्षेपित किया गया। 3:20 अपराह्न के निर्धारित समय पर PSLV-C25 के चौथे चरण से अलग होने के बाद यह यान पृथ्वी की कक्षा में पहुंच गया, और इसके सोलर पैनलों और डिश आकार के एंटीना ने सफलतापूर्वक काम करना शुरू कर दिया। इसके बाद कई चरणों में कई तकनीकी प्रक्रियाओं के पश्चात
22 सितंबर सन 2014 को MOM ने मंगल के गुरुत्वीय क्षेत्र में प्रवेश कर लिया। लगभग 300 दिन की संपूर्ण यात्रा के दौरान सुषुप्ति में पड़े रहने के बाद मंगलयान के मुख्य इंजन 440 न्यूटन लिक्विड एपोजी मोटर को 4 सेकंड तक चलाकर अंतिम पथ संशोधन कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया गया। 24 सितंबर सुबह 1:17 पर 440 न्यूटन लिक्विड एपोजी मोटर यान को मंगल की कक्षा में प्रवेश कराने वाले थ्रस्टर्स के साथ सक्रिय की गई, जिससे कि गति को 22.1 किलोमीटर प्रति सेकंड से घटाकर 4.4 किलोमीटर प्रति सेकंड करके मंगलयान को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक प्रविष्ट करा दिया गया। इस कार्य के होते ही सभी वैज्ञानिक खुशी से झूम उठे। यह भारत के वैज्ञानिकों के लिए एक अविस्मरणीय एवं गौरवपूर्ण घड़ी थी, जिसका सीधा प्रसारण दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय टेलीविजन पर किया गया। भारत के इस गौरवमयी क्षण को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी स्वयं वहां उपस्थित थे। इस सफलता के बाद भारत सोवियत रूस अमेरिका तथा यूरोप के बाद मंगल की कक्षा में प्रवेश करने वाला पहला देश बन गया है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि अपने पहले ही प्रयास में भारत कामयाबी के झंडे गाड़ देगा। नासा ने भारत की इस कामयाबी पर ट्वीट करते हुए लिखा, हम इसरो को मंगल पर पहुंचने के लिए बधाई देते हैं। लाल ग्रह का अध्ययन करने वाले मिशनों में मंगलयान भी शामिल हो गया है। मंगलयान परियोजना की सबसे खास बात यह है कि इसकी परिकल्पना, योजना और तथा कार्यान्वयन में इसरो द्वारा मात्र 450 करोड़ रुपए की राशि खर्च हुई। यह अब तक का सबसे सस्ता अंतरिक्ष मिशन है। मंगलयान को लाल ग्रह की सतह संरचना तथा वातावरण का अध्ययन करने के उद्देश्य से वहां भेजा गया है। इस पर लगे 5 सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों से मंगल ग्रह के मौसम के विषय में जानकारी मिलेगी तथा यह भी पता लगाया जा सकेगा कि मंगल ग्रह पर जो पानी था उसका क्या हुआ। आशा है मंगलयान अपने सभी उद्देश्यों में कामयाबी हासिल करेगा और विश्व के वैज्ञानिकों के लिए मंगल ग्रह में जो कुछ भी रहस्यात्मक है उसे सुलझाने में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो बच्चों, ये हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी और आज आपको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। कठिन शब्द हैं यहाँ पर जिन्हें आप अपनी पाठ्य पुस्तिका में लिखेंगे, जिज्ञासु, ब्रह्मांड, उपलब्धि, रप्तिम, स्पेसक्राफ्ट, रहस्यात्मक, ऑर्बिटर, प्रक्षेपण, अविस्मरणीय, उपस्थित, कार्यान्वयन और परिकल्पना। आगे हमें दिए हुए हैं शब्दार्थ जिन्हें आप याद भी करेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तिका में भी लिखेंगे। जिज्ञासु का अर्थ है जानने की इच्छा रखने वाला। अपराहन, दोपहर, सुषुप्ति, सुप्तावस्था या सोने की अवस्था। ब्रह्मांड, पूरा आकाश मंडल। साजो सामान, सजावट का सामान। प्रविष्ट, जिसका प्रवेश हो चुका हो। आसार, संभावना। अविस्मरणीय, कभी ना भूलने वाली। आभा, चमक। कामयाबी, सफलता। रक्तिम, लाल रंग की। परिकल्पना, किसी घटना की व्याख्या करने वाला कोई तर्कपूर्ण सुझाव। स्वीकृति, सहमति। तो अब बात करते हैं बच्चों अभ्यास कार्य की। बताओ क्या पढ़ा? इसरो के बारे में बताओ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यह है इसरो। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है,
जिसे डॉक्टर विक्रम ए साराभाई की दूरदर्शिता पर 1962 में स्थापित किया गया था। पहले इसरो को इंकोस्पार के नाम से जाना जाता था। 1969 में इसका पुनः गठन किया गया और तब इसका नाम इसरो पड़ा। भारत द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए यान का क्या नाम है? भारत द्वारा मंगल ग्रह पर भेजे गए यान का नाम मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM मंगलयान है। मनुष्य के किन गुणों ने उसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया है? मनुष्य की जिज्ञासा और उसकी बुद्धिमानी ने उसे पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बना दिया है। किस देश को पहली बार मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता मिली थी? अमेरिका को। अमेरिका की नासा एजेंसी को पहली बार मंगल ग्रह पर यान भेजने में सफलता मिली थी। तो चलिए आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। सूर्य से चौथा ग्रह कौन सा है? मंगल। सोवियत यूनियन ने मंगल पर पहली बार यान भेजने का प्रयास कब किया? 10 अक्टूबर सन 1960 में। इनमें से किस यान को मंगल ग्रह पर पहुंचने में पहली बार सफलता मिली? मैरिनर 4। भारत की कामयाबी पर ट्वीट करके किसने बधाई दी? नासा ने। मंगल परियोजना की परिकल्पना में कितनी राशि खर्च हुई? 450 करोड़ रुपए। मानव संसार का सबसे समझदार और संवेदनशील प्राणी है, क्यों? जिज्ञासु प्रवृत्ति के कारण। मंगलयान में लगे सौर ऊर्जा संचालित उपकरणों से क्या जानकारी मिलेगी? मौसम के बारे में। अंतरिक्ष में मूलतः मानव क्या खोज रहा है? जीवन की संभावना वाला ग्रह। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दो। चांद तारों को पृथ्वी से निहारने वाले मनुष्य ने जब पहली बार 20 जुलाई सन 1969 चांद की धरती पर अपना कदम रखा था, वह क्षण मानव इतिहास का सबसे सुनहरा और यादगार क्षण बन गया था। मनुष्य ने चंद्रमा की धरती पर पहला कदम कब रखा था? 20 जुलाई सन 1969। कौन सा क्षण मानव इतिहास का सबसे सुनहरा और यादगार क्षण था जब उसने चांद की धरती पर अपना कदम रखा था? वह क्षण मानव इतिहास का सबसे सुनहरा और यादगार क्षण था। बच्चों, ये दो प्रश्न जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये आपको करने हैं अपने गृह कार्य में। तो ये है आपका गृह कार्य, मनुष्य मानव इतिहास क्षण। शब्दों में उचित प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाओ। जैसे मनुष्य में हम ता प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा? मनुष्यता। मानव प्लस प्रत्यय लगाएंगे ता, मानवता। तो बाकी का आप स्वयं करेंगे। सुनहरा और यादगार क्षण बन गया था। यहाँ आपको क्रिया का भेद बताना है। तो ठीक है बच्चों, ये है आपका गृह कार्य और अब हम चलते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। नासा के विषय में आप क्या जानते हैं? नासा का अर्थ है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1958 में की गई थी। नासा एजेंसी ने 28 नवंबर 1964 में पहली बार मंगल ग्रह पर मैरिनर 4 स्पेस क्राफ्ट भेजने में सफलता प्राप्त की थी। वैज्ञानिक किन ग्रहों को ढूंढने में लगे हुए हैं? वैज्ञानिक उन ग्रहों को ढूंढने में लगे हुए हैं जहां पर जीवन की संभावना हो। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है, क्यों? मंगल ग्रह की आभा रक्तिम होने के कारण ही इसे लाल ग्रह कहा जाता है। अंतरिक्ष में पहुंचना मानवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्यों? पृथ्वी से चांद और तारों को निहारने वाले मनुष्य ने जब पहली बार 20 जुलाई 1969 को चांद की सतह पर कदम रखा
तो वह क्षण मानव इतिहास के लिए अत्यंत यादगार और सुनहरा क्षण बन गया। यही कारण है कि अंतरिक्ष में पहुंचना मानवों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपलब्धि है, क्योंकि वहां से उन्हें चांद के बारे में अनेक तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई। इसीलिए मनुष्य इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मानते हैं। मंगल अभियान में भारत की सफलता किन कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है? मंगल अभियान में भारत की सफलता इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अपने पहले ही प्रयास में भारत ने यह अभियान सफलतापूर्वक प्राप्त कर लिया था और इस अभियान की परिकल्पना, योजना और कार्यान्वयन में कुल 450 करोड़ रुपए का बजट खर्च हुआ था, जो कि अब तक का सबसे सस्ता अंतरिक्ष अभियान है। मैरिनर 4 नामक स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर कब भेजा गया? मैरिनर 4 नामक स्पेसक्राफ्ट मंगल ग्रह पर नासा एजेंसी द्वारा 28 नवंबर 1964 में भेजा गया। पाठ के आधार पर 3 प्रश्न बनाओ। बच्चों, ये काम आपका गृह कार्य रहेगा। आपको पाठ को दोबारा से अच्छे से पढ़ना है, उसका पाठन करना है और फिर आपको पाठ के आधार पर 3 प्रश्न बनाने हैं। तो आशा करती हूँ कि मंगल ग्रह पर जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ में दी हुई है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मंगल ग्रह पर पहुंचना हमारे भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली क्षण था और आज हमने उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की हैं। आभार, मिलते हैं नए पाठ के साथ।